बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त हाउस ऑफ एजुकेशन में मौजूद हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे जदीद स्कूल है, जहां बच्चों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तालीम दी जाती है और एक रुपया भी फीस नहीं है। आइए मैं आपको दिखाऊं, देखें बच्चों को जो यहां पर सुबह स्टोरीज सुनाई जाती हैं, उसके अंदर जो जो कैरेक्टर यूज़ होते हैं वो सब ये रखे हैं। ये आज यहाँ पर ये बच्चों की स्पेशल डाइस तैयार हो गई है और यहाँ पर लोगो आ जाएगा, बच्चे पीछे एक स्टूल लगेगा, उसके ऊपर खड़े होकर अपनी जो स्पीच वगैरह करते हैं। हर क्लास में बच्चों की अलग अलग कबर्ड है, हर हर क्लास की अलग है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये भी तैयार हो गई हैं। आए यार है, मुझे वो दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों की स्टेशनरी वगैरह का क्या सिस्टम होता है, क्या निज़ाम होता है। पहले इधर आ जाओ, देखें ये बच्चों का म्यूजिक रूम है, ये भी बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड से बनाया गया है। ये चेयर्स हैं, इसके क्वाइट बेंचेस, हाँ, इसके ऊपर कुछ बच्चे यहाँ बैठते हैं, पाँव यहाँ रखते हैं, कुछ यहाँ बैठते हैं, और ये सारे गिटार और ये स्क्रीन, इसके पियानो वगैरह सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और इधर क्लासेस होती हैं, तमाम बच्चों के अलग अलग टाइम पे क्लास होती हैं, वो आते हैं। आई मैं आपको स्टेशनरी रूम भी दिखाऊं, आप ये भी देख सकते हैं, पूरा शेड लगवा दिया है, फाइबर का शेड पूरा लगवा दिया है। यहाँ से दिखाते हैं, और क्लियर नजर आ जाएगा। आए तो ये आ गया स्टेशनरी रूम। अब देखिए जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ। अब जैसे बच्चों की कोई भी क्लास है, उन बच्चों के इस्तेमाल में जैसे कलर पेंसिल्स हैं, ये हो गई, फिर उसके अलावा ये उनके दूसरे कलर बॉक्स हो गए, ये उनके अलग कलर बॉक्स हो गए, ये इनके अलग कलर बॉक्स हो गए। उसके बाद देखें अब ये स्प्रे वगैरह आ गए, ये किस चीज के काम आता है भाई? टेबल की क्लीनिंग। अच्छा, अब ये देखें जैसे अब ये मार्कर्स आ गए, बोर्ड मार्कर हो गए, ये तमाम चीजें जो है, ये कलर मार्कर हो गए, ये तमाम आप देख रहे हैं, क्वांटिटी चेक कर रहे हैं आप लोग कितनी है, मतलब हर चीज, हर क्लास का सामान। ये लेमिनेशन शीट्स आ गई। अच्छा देखिए, हर बच्चे की उसकी टेबल उसका उसकी अपने उसके नाम से बनती है, जैसे शेरबानो का है ये, फिर ये आ गया असमारा साकिब का आ गया, इस तरह से ये खोकर आ गए, मोहम्मद सादिक हुसैन खोकर आ गए, सबका अलग अलग, हर बच्चे की अलग शीट बनती है। अब इसी तरह से ये देखें बच्चों के रबर आ गए, और उसके अलावा आम पेंसिल्स नहीं है, ये देखें शॉर्पनर आ गए। हाँ बिल्कुल, देखें हर चीज ब्रांडेड है, मतलब ऐसा नहीं है कोई लोकल चीज बच्चों को दी जा रही है। और इनकी क्वांटिटी देखें आप, ये देखें देख रहे हैं आप, ये क्वांटिटी है, ये देखें ये स्टैंडर्ड है बच्चों का, कोई बच्चों ने पैसा भी नहीं देना इसके अंदर। अच्छा भैया, और इसमें नीचे क्या क्या है, ये देखें, ये क्या कहते हैं इसको भाई, क्रेयॉन्स आ गए भाई, फिर उसके बाद नीचे क्या खोलना भैया, ब्लैंक पेपर्स है। अच्छा ब्लैंक पेपर्स है, ये A4 जी, देखें भाई A4 की शीट है, तो हर बच्चे के अलग अलग नाम की है, ये नहीं कि उनकी फैमिली को बोला जा रहा है कि भाई आप ला के दें, या उनसे ये बोला जा रहा है इसके पैसे दें, कुछ भी ऐसा नहीं है, हर चीज इसी तरह से। इनमें क्या है, अब भाई ये देखें, ये आ गई कीलें आ गई, ये स्टेपलर आ गए, तमाम चीजें। अच्छा ये कौन सी शीट होगी भाई? सर ये गोल्डन शीट है, ये जितने भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो उसका सॉफ्ट बोर्ड बन रहे हैं। अच्छा ये देखिए ग्लू आ गए, ये टेप आ गए, रबर बैंड आ गए, UHU आ गया। अच्छा देखें ये तमाम चीजें, ये भी शीटें आ गई बच्चों की, सुपर की चीजें। हाँ बच्चा लंच नहीं लेकर आया, कोई मसला नहीं है, इधर आए, बच्चा लंच नहीं लेकर आया, हाँ हम आपको ब्रेड पे जैम लगा के हम देंगे। अच्छा मतलब अगर बच्चा मसला नहीं, मतलब उसके अंदर किसी किस्म का एहसास महरूमी नहीं होगा, ठीक है, गुड है, बहुत अच्छा है, कुछ भी अगर वो है हम फील कर रहे हैं अगर ऐसे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये क्या चीज है, बैग वगैरह, हैंगर, ये देखिए ये मॉन्टेसरी रिसोर्सेज हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, फाइल्स हैं बच्चों की, ठीक है टिश्यू वगैरह, ठीक है। अच्छा ऊपर ये बॉक्सेस में क्या होता है? ये स्टोरेज बॉक्सेस। अच्छा ठीक है सर, ये अच्छा CPR कराने के लिए बच्चों को, और ट्रेनर रखा हुआ है। अच्छा जो CPR इनको प्रैक्टिस कराता है, किस तरह सांस दी जाती है, दीगर चीजें,
ठीक है। और ये सारे बच्चों के बैठने के लिए एक्टिविटी के लिए देखें, ये स्पोर्ट्स का सामान रखता है, उन्होंने एक्टिविटी होती है। ठीक है, और उसमें क्या कमरे में? उसके अंदर ये स्टोरेज, यही स्टोरेज है। देखा, आप लोगों को ये सारे मनाजिर मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके इल्म में रहेगा, JDC जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तालीम दे रही है बच्चों को, उसके पीछे मेहनत कितनी है। आप ये देखें, ये तमाम जितना भी काम देख रहे हैं आर्ट्स टीचर जो है, उन्होंने खुद अपने हाथों से ये तमाम चीजें बनाई हैं। अब आपका काम ये है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में आए, आगे बढ़े, एक बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी ले लें, उसकी महीने की फीस तकरीबन $75 का खर्चा है एक बच्चे पर महीने का। तमाम क्लासों का स्टैंडर्ड, हर चीज आपको दिखाई गई है, किस तरह से सब तैयार किया गया है। देखें, इन स्कूलों की शक्ल निकालने में करोड़ों रुपए लगे। अच्छा, मैं आपको ये, हाँ आ जाऊँ अंदर वाली क्लास दिखाने। अच्छा देखिए, ये क्लास रूम का मैार है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। उनके जाने के बाद देखें सफाई किस तरह की जाती है, हर चीज़ चमक रही है। कुर्सियाँ भी इम्पोर्टेड यूज़ की गई हैं, लोकल कुछ भी नहीं है। चलो भाई, कोई चीज़ भी लोकल इस्तेमाल की जाए। हर बच्चे की अलग कबर्ड है, उसकी अलग चीज़ें हैं जो यहाँ रखी हुई हैं, कोर्स है हर चीज़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम इंटरेक्टिव बोर्ड लगा हुआ है, ये कनेक्ट हो जाता है लैपटॉप से। आए वहाँ दिखाएं पीछे स्विमिंग पूल वगैरह की क्या पोजीशन है। आइए आइए देखें, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ मनाजिर, आप देख लें। ये स्विमिंग पूल और वो सामने मिनी जू है। अच्छा देखिए, ये देखें स्विमिंग पूल बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये स्विमिंग पूल बिल्कुल रेडी हो चुका है, और वो रहा सामने मिनी जू, वो भी रेडी हो चुका है। जानवर उसके अंदर शुतुरमुर्ग हैं, परिंदे। हाँ आए, मैं आपको एक्टिविटी रूम भी दिखा दूं जहां पर बच्चे खेलते कूदते हैं, और हर बच्चे की एक क्लास होती है जिसके अंदर वो आता है। यहाँ पर एक्टिविटी रूम के अंदर तकरीबन कितने मिनट की क्लास होती है भाई? 40 मिनट्स का पीरियड होता है, जिसके अंदर आके वो बच्चा मुकम्मल तरीके से यहाँ पर खेलता है। अभी यहाँ पर लाइट्स लग रही हैं, और यहाँ पर अभी एक छोटे वाले घोड़े जो होते हैं पोनी हॉर्स बोलते हैं शायद, उनकी भी जोड़ी आ रही है। और आए मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर बच्चे आते हैं कि 45 मिनट बच्चे यहाँ पर मौजूद रहते हैं, टीचर्स होते हैं उनके साथ, जो उनको तमाम चीज़ों को खेलना कूदना और ये सब चीज़ें जो थी उसको। फिजिकल एजुकेशन का ट्रेन टीचर मौजूद होता है उनके साथ, फिजिकल एजुकेशन का कमाल है। बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, दुनिया के किसी भी कोने में आगे बढ़ें, JDC के साथ जुड़ते चले जाएं, इन वीडियोस को आगे बढ़ाएं, टैग करें लोगों को, ताकि उनके इल्म में आए कि जब JDC जैसा इदारा इस किस्म की तालीम देने की सलाहियत रखता है, तो अगर आप सब मिलकर साथ देंगे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान भर में इस तरह की तालीम आम कर दी जाएगी।